Hello friends, in this video I'm going to discuss about the binding chain mechanism for ATP synthesis. Last video में हमने discuss किया था ATP synthesis का structure, वो detail structure हमने discuss किया था, उसकी link मैंने description में दे दी है. अगर आपने वो video नहीं देखा है तो मैं आपको suggest करूँगा कि पहले आप वो video देखें and then उसके बाद ये video continue करें. तो जैसे कि हमने last video में discuss किया था कि ये जो ATP synthesis है, it is composed of two major portion. जो पहला portion है वो होता है F0 portion और जो दूसरा portion है वो होता है F1 portion. F0 portion is made up of three subunits. F0 portion of ATP synthesis is made up of three portions, three subunit, A subunit, then B subunit and then C subunit. ठीक है, then ये जो F1 portion है, it is made up of five different subunits. F1 portion is made up of five different subunits in the ratio of alpha 3, then beta 3, then gamma, then delta and last epsilon. ठीक है, F0 के पास क्या है, रोटेशनल एक्टिविटी है और F1 के पास क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी. F1 में ये जो बीटा सबयूनिट है ये वाला, इसके पास क्या है, इट हैज कैटालिटिक एक्टिविटी, ओनली बीटा हैज एन कैटालिटिक एक्टिविटी. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बीटा सबयूनिट है इट इज प्रेजेंट इन थ्री कन्फर्मेशन. बीटा के पास क्या है, तीन अलग कन्फर्मेशन होते हैं. जो पहला कन्फर्मेशन होता है वो होता है बीटा ओपन कन्फर्मेशन. ठीक है, बीटा इज प्रेजेंट इन थ्री डिफरेंट कन्फर्मेशन. जो पहला कन्फर्मेशन है वो है ओपन कन्फर्मेशन, देन जो दूसरा कन्फर्मेशन है उसे हम कहते हैं बीटा लूज कन्फर्मेशन, बीटा ओपन कन्फर्मेशन, देन बीटा लूज कन्फर्मेशन और जो लास्ट है वो है बीटा टाइट कन्फर्मेशन. अब ये जो बीटा ओपन कन्फर्मेशन है ये क्या है, कैटालिटिकली इनएक्टिव है. ये जो लूज कन्फर्मेशन है वो भी क्या है, कैटालिटिकली इनएक्टिव है. ओनली ये जो बीटा टाइट कन्फर्मेशन है वो कैटालिटिकली एक्टिव कन्फर्मेशन है. ओपन कन्फर्मेशन क्या करता है, इट हैज़ वेरी लो एफिनिटी फॉर बाइंडिंग टू द लिगैंड. ठीक है, लिगैंड को जब बाइंडिंग होता है तो उसके पास क्या है, लो एफिनिटी है. देन ये जो लूज है, लूज बीटा, बीटा लूज, वो क्या करता है, वो लिगैंड के साइड लूज बाइंडिंग करता है. और तीसरा जो है वो है बीटा टाइट, वो क्या करता है, लिगैंड के साथ टाइट बाइंडिंग करता है और वो कैटालिटिकली एक्टिव है. ओपन कन्फर्मेशन कैटालिटिकली इनएक्टिव है, देन लूज कन्फर्मेशन इज आल्सो कैटालिटिकली इनएक्टिव एंड देन ये जो टाइट कन्फर्मेशन है इट इज़ ओनली अ कैटालिटिकली एक्टिव कन्फर्मेशन ऑफ बीटा सबयूनिट. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, यहाँ पर ये जो है ये गामा सबयूनिट है एंड ये जो अलग अलग कन्फर्मेंट दिखाया मैंने, तीन कन्फर्मेंट, वो क्या है, बीटा ओपन फॉर्म, देन बीटा लूज फॉर्म एंड देन बीटा टाइट फॉर्म. ठीक है, हमने जब ATP सिंथेस को डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, तब मैंने वहाँ पे बताया था कि ये जो अल्फा 3 और बीटा 3 ये क्या करते हैं, ये हेक्सामेरिक रिंग फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो जब क्या होता है, ये F0 के पास क्या है, A सब यूनिट है, देन B सब यूनिट है एंड देन C सब यूनिट है. ये जो C सब यूनिट ये क्या करता है, यहाँ पर ये रिंग फॉर्म करता है. ठीक है, C सब यूनिट फॉर्म्स द रिंग. ठीक है, और यहाँ पर ये जो F1 है ये क्या करता है, यहाँ पर अल्फा 3 और बीटा 3 मिलकर यहाँ पर एक हेक्सामेरिक रिंग फॉर्म करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है. इससे क्या होता है, जब भी F0 से प्रोटॉन अंदर आते हैं, मैट्रिक्स साइड में आते हैं, तब क्या होता है, ये जो सी रिंग है वो रोटेट होती है. जैसे ही सी रिंग रोटेट होती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब सी रिंग रोटेट होती है तो वो रोटेट क्या करती है, इस गामा सब यूनिट को रोटेट करती है. ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये होगी सी रिंग यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये है गामा यूनिट एंड देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर अल्फा बीटा के क्या है, हेक्सामेरिक रिंग है. तो जब ये सी रिंग रोटेट होती है तो वो क्या रोटेट करती है, वो इस गामा सब यूनिट को टर्न करती है, उस गामा सब यूनिट को रोटेट करती है. तो जब ये गामा सब यूनिट रोटेट होता है तो वो क्या करता है, बीटा सब यूनिट के अलग अलग कन्फर्मेशन को फेस करता है. ठीक है, एक बार अगर गामा सब यूनिट टर्न हुआ तो वो क्या करेगा, ओपन से लूज कन्फर्मेशन में जाएगा. दूसरी बार अगर गामा सब यूनिट टर्न होता है तो वो क्या करेगा, लूज कन्फर्मेशन से टाइट कन्फर्मेशन में आएगा. अगर तीसरी बार गामा सब यूनिट टर्न करता है तो वो अपने टाइट कन्फर्मेशन से अपने ओपन कन्फर्मेशन में आएगा. ठीक है, ओपन कन्फर्मेशन कैटालिटिकली इनएक्टिव है, देन लूज कन्फर्मेशन इज ऑल्सो कैटालिटिकली इनएक्टिव. ठीक है, द ओनली कैटालिटिक एक्टिव सब यूनिट इज बीटा एन विच फॉर्म, इन टाइट फॉर्म. ठीक है, बीटा टाइट इज कैटालिटिकली एक्टिव. तो यहाँ पर मैंने ये जो सेंट्रल स्टॉक है यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये है गामा सब यूनिट,
देन ये भी है गामा, ये गामा सब यूनिट। ठीक है, यहाँ पर बीटा के मैंने तीन फॉर्म लिखा है, ओपन, लूज और टाइट। तो यहाँ पर एल ओ टी है, लूज देन ओपन एंड देन टाइट। ठीक है, देन यहाँ पर लूज ओपन और टाइट, देन यहाँ पर लूज ओपन और टाइट कन्फर्मेशन। ठीक है, तो पहले बार क्या होगा यहाँ पर, एट द बिगिनिंग जो सबसेट है हमारे एडीपी प्लस पीआई, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करेंगे, आके एल साइट को बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, एल जो है, एल साइट जो है, एल कन्फर्मेशन वो क्या है, लूज कन्फर्मेशन। तो वो क्या करेगा, जब लिगेंड के साथ बाइंडिंग करेगा तो वो लूजली बाइंड होगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, एट द बिगिनिंग एडीपी प्लस पीआई आके लूज कन्फर्मेशन वाले साइट को बाइंड हो गए। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से क्या होगा, जब प्रोटॉन एफ जीरो से एंटर करेगा मैट्रिक्स साइड में, तो यहाँ पर प्रोटॉन अंदर आया, और जैसे ही प्रोटॉन अंदर आया तो क्या हुआ, सी रिंग रोटेट हो गई। जैसे सी रिंग रोटेट हुई, वहाँ पे क्या होगा, गामा जो है सेंट्रल स्टॉक वो भी रोटेट होगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर एल ओ और टी था, ठीक है, लूज देन ओपन एंड देन टाइट कन्फर्मेशन। ठीक है, तो जैसे ही एनर्जी मिल गई, जैसे ही प्रोटॉन अंदर आए, वैसे क्या हुआ, ये जो गामा सब यूनिट है ये टर्न होगा, ये रोटेट होगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर टाइट कन्फर्मेशन आ जाएगा, लूज कन्फर्मेशन यहाँ था तो वो अब यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर टाइट कन्फर्मेशन आएगा। तो जब टाइट कन्फर्मेशन में आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, एडीपी और पीआई की टाइट बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, एडीपी और पीआई की टाइट बाइंडिंग हो जाएगी और यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी का फॉर्मेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज ओनली टी साइट में ही होता है, क्योंकि यहाँ पर एबिलिटी है कि फॉस्फोनेटेड बॉन्ड जो है वो यहाँ पर टी साइट में ही फॉर्म होता है। तो इसलिए एटीपी सिंथेसिस की जो साइट है, एटीपी सिंथेसिस का जो कन्फर्मेशन है बीटा का, वो है टी कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर एट द बिगिनिंग एडीपी प्लस पीआई आके एल साइट को बाइंड हो गए। ठीक है, देन जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन अंदर आ गया, मैट्रिक्स साइड में आ गया, वैसे ही क्या हुआ, सी रिंग रोटेट हो गई। जैसे सी रिंग रोटेट हो गई, वैसे क्या हुआ, गामा सब यूनिट जो है वो रोटेट हो गया। उससे क्या हो गया, वो अपने आप लूज कन्फर्मेशन से अपने टाइट कन्फर्मेशन में चला गया। ठीक है, यहाँ पर था लूज कन्फर्मेशन, देन यहाँ पर था टाइट कन्फर्मेशन। टाइट कन्फर्मेशन में क्या हो गया, एडीपी और पीआई की टाइट बाइंडिंग हो गई। इससे क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस हो गया, और ये टी साइट में ही क्यों होता है, क्योंकि फॉस्फोएनहाइड्राइड जो बॉन्ड है वो टी साइट में आकर ही फॉर्म होता है। ठीक है, देन आगे क्या होगा, जब यहाँ से प्रोटॉन जो है वो अंदर आ जाएंगे, फिर से एनर्जी जब मिलेगी तब क्या होगा, सी रिंग का रोटेशन होगा, वैसे ही गामा सब यूनिट का भी रोटेशन होगा, और यहाँ पर एटीपी जो है जब ओपन साइट में आ जाएगा, ओपन कन्फर्मेशन आ जाएगा अपना बीटा, तो वो क्या करेगा, इस एटीपी को रिलीज करेगा। अब यहाँ से एटीपी जो है वो रिलीज हो गया है। ठीक है, देन यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, एनर्जी मिलेगी, प्रोटॉन अंदर आएंगे, तो जब प्रोटॉन अंदर आएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एन वन साइकिल। ठीक है, मैं पहली बार रिपीट करता हूँ फिर से, यहाँ पर लूज बाइंडिंग में क्या हो जाता है, एडीपी और पीआई की बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, इनिशियली एट द बिगिनिंग, देन यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे ही एनर्जी मिलती है, जैसे ही प्रोटॉन अंदर आ जाता है फ्रॉम आईएमएस टू मैट्रिक्स साइड, तो वैसे क्या होगा, सीरिंग रोटेट होगी। जैसे सीरिंग रोटेट होगी वैसे गामा रोटेट होगा, और यहाँ पे क्या करेगा, गामा दूसरे कन्फर्मेशन को फेस करेगा बीटा के। कौन सा कन्फर्मेशन है, टाइट वाला कन्फर्मेशन। वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडीपी और पीआई की टाइट बाइंडिंग हो जाएगी। देन क्या होगा, यहाँ पे एटीपी फॉर्म हो गया, देन फिर से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन अंदर आएगा, एनर्जी मिलेगी, उससे क्या होगा, गामा रोटेट होगा, और अपने टाइट कन्फर्मेशन से अपने ओपन कन्फर्मेशन में आ जाएगा। देन वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन कन्फर्मेशन जो है, एटीपी जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेसिस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।